सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी धोनी को टीम में वापस से देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के दौरे पर है। आपको बता दें कि अब तक भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को जहां T20 सीरीज में हराया तो वहीं वनडे सीरीज में शिकस्त का भी सामना किया है और अब दोनों ही टीमों के बीच में एक दो टेस्ट मैचों की छोटी श्रृंखला खेली जा रही है जिसकी शुरुआत 21 फरवरी से हो जाएगी। यह 4 मार्च तक चलेगी और दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में होने वाली 3 मैचों की ODI सीरीज की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम फिर से भारत का दौरा करने जा रही है और इस बार दोनों ही टीमों का आमना सामना होगा ODI सीरीज में। ये सीरीज की शुरुआत होगी 12 मार्च से जो कि 18 मार्च तक चलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला 12 तारीख को धर्मशाला में खेला जाएगा, उसके बाद 15 तारीख को मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ में, तो वही अंतिम मुकाबला 18 तारीख को कोलकाता के मैदान में खेला जाएगा। अभी मुकाबले दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस सीरीज के लिए टीम में कुछ बड़े बदलाव होंगे। जैसे खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है जो कि लंबे अरसे से टीम का हिस्सा नहीं है, और यहां तक कि भारतीय टीम के कप्तान भी इस सीरीज के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि इस सीरीज के लिए टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है रोहित शर्मा के हाथों में। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि रोहित शर्मा जो कि चोटिल थे वह पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, उनकी टीम में वापसी तो होनी ही है। साथ ही कप्तान विराट कोहली विश्व कप 2019 के बाद से ही निरंतर हर सीरीज में लगभग खेलते हुए नजर आए हैं। बतौर कप्तान विराट कोहली ने काफी लंबे अरसे से कोई ब्रेक नहीं लिया है, ऐसे में टीम के चयनकर्ता भी चाहेंगे कप्तान विराट कोहली को ब्रेक दिया जाए, उन्हें आराम दिया जाए और उनकी गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी सौंपी जाए। तो अक्सर पहले भी देखा गया है कि कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तानी की और वह पूरी तरीके से उस पर खड़े भी उतरे हैं। इस बार तो यह सीरीज अपने घर में ही है, रोहित शर्मा को ही टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस सीरीज के लिए शायद महेंद्र सिंह धोनी की भी टीम में वापसी हो सकती है। ऐसे तो धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जनवरी के महीने तक टीम में वापसी का कोई विचार नहीं कर रहे। जब जनवरी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड गई तो धोनी टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि वह पूरी तरीके से फ्री नहीं थे। हाल ही में देखा गया कि धोनी मैदान में लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि धोनी टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे इस सीरीज के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या भी अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी में टीम में कोई और खिलाड़ी उनकी जगह ले नहीं पाया है। ऐसे में यह बात तो साफ है कि युवा खिलाड़ियों की जगह अब आप सभी को हार्दिक पांड्या ही टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे और एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि सलामी जोड़ी के बल्लेबाज शिखर धवन जो कि चोटिल हो चुके थे और न्यूजीलैंड दौरे से बाहर थे, वह भी इस दौरे में टीम का हिस्सा बनेंगे। शिखर धवन अब पूरी तरीके से फिट हैं और अब वह टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। साथ ही रोहित शर्मा को भी लगी मामूली चोट तो पूरी तरीके से ठीक हो ही गई है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इन बड़े बदलावों के बाद टीम की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों टीम के लिए अब हमेशा की तरह इस बार ओपनिंग करते नजर आएंगे रोहित शर्मा व शिखर धवन, तो वहीं टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे KL राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर व महेंद्र सिंह धोनी। टीम में ऑलराउंडर की भूमिका को निभाएंगे हार्दिक पांड्या, तो वही स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी युजवेंद्र चहल के हाथों में। वही अगर तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो उसकी बागडोर रहेगी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी व नवदीप सैनी के हाथों में। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर धोनी की वापसी हुई तो ऋषभ पंत तो टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस ODI सीरीज के लिए क्या धोनी की टीम में वापसी होनी चाहिए नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 व वनडे सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में एक 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि सीरीज की शुरुआत 21 तारीख से होगी जो कि 4 मार्च को खत्म होगी। सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होगा 21 तारीख को जो कि चलेगा 25 तारीख तक, लेकिन इस मुकाबले की टाइमिंग्स कुछ ऐसी हैं कि शायद भारतीय टीम के सभी फैंस खुश ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन समय चाहे जो कुछ भी हो इस टेस्ट सीरीज को देखने के लिए दर्शकों में रोमांच उतना ही है जितना T20 व वनडे सीरीज में था, क्योंकि जो भी टीम दोनों मुकाबलों को जीतेगी वह ही टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच के लिए ही टीम में 5 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। और दोस्तों यह बदलाव जुड़े होंगे भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों से लेकर कुछ ऐसे काबिल खिलाड़ियों को लेकर जो कि टीम में होना डिजर्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि टीम का पहला बदलाव क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका की। आपको
बता दें कि टेस्ट सीरीज के लिए टीम में रिद्धिमान साहब और ऋषभ पंत मौजूद हैं, लेकिन कप्तान विराट कोहली ऋषभ पंत को पहले टेस्ट मैच में खेलने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रैक्टिस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने 70 रन तक जड़ दिए थे, जिससे कि ऋषभ पंत इस बात की इंडिकेशन दे चुके हैं कि वह अपनी फॉर्म में वापस से लौट चुके हैं। विकेट कीपिंग स्किल्स भी बेटर हुए हैं, ऐसे में टीम में कप्तान विराट कोहली ऋषभ पंत को जरूर मौका देना चाहेंगे। दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव हो सकता है शुभमन गिल को लेकर। आपको बता दें कि 2019 विश्व कप के बाद से ही शुभमन गिल की बल्लेबाजी के चर्चे पूरे देश में है। घरेलू टूर्नामेंट में जब सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों का नाम आता है तो शुभमन गिल उसमें सबसे ऊपर होते हैं, चाहे वह किसी भी फॉर्मेट की बात रही हो। अंडर 19 व इंडिया ए की टीम की तरफ से शुभमन गिल हमेशा ही रन लगाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में इस सीरीज में शुभमन गिल टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे। दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा हनुमा विहारी को लेकर। हनुमा विहारी टीम का हिस्सा बनेंगे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मुकाबले में ही 101 रनों की शतकीय पारी खेल दी और इस बल्लेबाजी के साथ ही हनुमा विहारी ने अपने आप को साबित भी कर दिया है। कप्तान विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी जरूर देंगे। तो चौथा बदलाव हो सकता है टीम में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को लेकर। दोस्तों नवदीप सैनी ईशान शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण है उनकी तेज तर्रार रफ्तार। वनडे व T20 फॉर्मेट में देखने को मिला है कि नवदीप सैनी हमेशा ही अपने मौकों पर खड़े उतरे हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए बड़े विकेट्स निकाले हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी रफ्तार। आपको बता दें कि नवदीप सैनी बड़े ही आराम से 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करना जानते हैं, ऐसे में उनका तो टीम में शामिल होना पूरी तरीके से तय है। दोस्तों पांचवा बदलाव रहेगा रविचंद्र अश्विन को लेकर, क्योंकि वह भी अब आप सभी को टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। अश्विन वैसे तो टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें खेलने की जगह नहीं दी जा रही थी, जिसका सीधा सा सबसे बड़ा कारण यह था कि अश्विन अपनी शानदार फॉर्म में नहीं थे। अब घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने कई बड़े विकेट्स निकाले हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और वह टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे। दोस्तों अश्विन के पास ज्यादा अनुभव भी है जो कि न्यूजीलैंड की टीम को हराने में काफी काम आ सकता है। चलिए नजर डालते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 पर। पहले टेस्ट मैच के लिए यह हो सकती है टीम की प्लेइंग 11। टीम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं पृथ्वी शॉ व मयंक अग्रवाल। इसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे व ऋषभ पंत। साथ ही दोस्तों टीम में एक पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे हनुमा विहारी, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी कराते हुए नजर आएंगे रविचंद्र अश्विन और तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह व नवदीप सैनी के हाथों में। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है सीरीज का पहला टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, भारत या फिर न्यूजीलैंड? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहा प्रैक्टिस टेस्ट मैच अब ड्रॉ हो चुका है। आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत हुई थी 14 तारीख से। मुकाबले में टॉस जीता पहले भारतीय टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का भी फैसला लिया, लेकिन हैमिल्टन के इस मैदान पर भारतीय टीम की शुरुआत उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ऋषभ पंत व रिद्धिमान साहा जैसे उम्दा बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन फिर चेतेश्वर पुजारा ने 93 रन तो वही हनुमा विहारी ने 101 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 263 रनों का स्कोर बना सकी। अब पहली इनिंग में इतने कम स्कोर के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर सवाल भी उठने लगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के पास टॉम सीफर्ट जैसे बल्लेबाज ही मौजूद थे, जिन्होंने T20 सीरीज अपनी टीम को अपने बलबूते पर जिताई थी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को पहली पारी में महज 235 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। और इस शानदार गेंदबाजी का क्रेडिट जाता है मोहम्मद शमी व जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों शमी ने जहां 3 विकेट लिए तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 बड़े व सबसे अहम विकेट अपने नाम कर लिए थे। इसके चलते भारतीय टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाई। अब दूसरी इनिंग्स में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी, लेकिन इस बार शुरुआत धमाकेदार रही, क्योंकि दोस्तों मैदान पर आते ही पृथ्वी शॉ व मयंक अग्रवाल ने आज धमाकेदार बल्लेबाजी कर दी थी। आपको बता दें कि जहां पृथ्वी शॉ ने 31 गेंदों का सामना करके तेज तर्रार बल्लेबाजी करी और 39 रन जड़ दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल ने तो 99 गेंदों में 81 रन जड़ दिए। मयंक ने अपनी पारी में शुरुआती दौर में ही 10 चौके जड़ दिए थे, जिन्होंने भारतीय टीम को काफी बढ़त दिलाई थी। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन के खेल में यानी कि आज बल्लेबाजी में मजा देखने का आया तो ऋषभ पंत को। अति दोस्तों ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से सबको खुशी भी है, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी पुरानी फॉर्म में जो वापस से लौट आए हैं। 65 गेंदों का सामना करके आज ऋषभ पंत ने 4 चौके जड़े तो वही 4 छक्के भी जड़े और 110 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में 70 रन तक लगा दिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स में सबसे तेज तर्रार बल्लेबाजी आज ऋषभ पंत ने ही करके दिखाई। साथ ही विकेट कीपिंग में जब जब भारतीय टीम को उनकी जरूरत पड़ी तब तब वह मौजूद थे, उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग भी करी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है ऋषभ पंत का फॉर्म वापस से आ जाना। हम सभी जानते हैं कि इस पूरे दौरे पर एक भी मुकाबले में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी व विकेट कीपिंग करने का मौका नहीं दिया गया। इसका बड़ा कारण है कप्तान विराट कोहली का केएल राहुल पे ज्यादा भरोसा करना, और वह इसलिए क्योंकि केएल राहुल की फॉर्म फिलहाल अच्छी चल रही है। लेकिन जिस अंदाज में ऋषभ पंत ने 65 गेंदों में 70 रन जड़े हैं, उन्होंने सबको बता दिया है कि वह भारतीय टीम में आने के लिए पूरी तरीके से काबिल हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत के अलावा
अलावा 38 गेंदों में 30 रन रिद्धिमान साहा ने भी जड़े हैं। और आपको यह बता दें कि फिलहाल टेस्ट सीरीज के लिए दोनों ही विकेटकीपर यानी कि रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत दोनों ही टीम में मौजूद रहेंगे। लेकिन अब यह देखना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कप्तान विराट कोहली दोनों विकेटकीपर्स में से किसे टीम में शामिल करेंगे। रिद्धिमान साहा के पास ज्यादा अनुभव है तो वहीं ऋषभ पंत की फॉर्म वापस से लौट आई है। साथ ही साथ 65 गेंदों में 70 रन चढ़कर एक बार फिर से ऋषभ पंत ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। दोस्तों ऋषभ पंत के पास बड़े शॉट्स व तेज तर्रार बल्लेबाजी करने की ताकत है। T20 विश्व कप को देखते हुए कप्तान विराट कोहली ऋषभ पंत को ज्यादा मौके जरूर देंगे।